दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे छोटे छोटे कुछ कंज्यूमेबल पार्ट्स, जो कि बहुत सी बाइकें ऐसी होती हैं जिसमें भाई छोटी छोटी चीजें जो है वो 100% ओरिजिनल जो है नहीं मिलती, और मजबूरी में लोगों को या कस्टमरों को लोकल डलवानी पड़ती है या दुकानदार जो है वो भी लोकल बेचते हैं। तो ऐसी ही मैं चीजें लाया हूँ जो देखने में मतलब जिनकी बेसिक नीड होती है, जो कभी ना कभी क्या ऐसी चीजें जो हर रोज जरूरत पड़ती है इनकी, और आती भी बहुत सस्ती हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग ये लोकल भी डलवाओगे ना तो आप जेन्युइन से महंगी डलवा लेते होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं तो आज बस इसी बारे में मैं आपको छोटी सी चीज दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं है। 1, 2, 3 और 4, ये चार ही चीजें हैं। 2 बजाज की ले ली हमने और 2 टीवीएस की ले ली। तो भाई, इस टाइप की वीडियो अगर आपको और भी चाहिए होगी तो मुझे बताना कंज्यूमेबल पार्ट्स के ऊपर, जो कि आपको जेन्युइन मिलते हैं नहीं मिलते जो भी है, तो भाई ऐसी वीडियो और बना के दे दूंगा आपकी डिमांड पे मैं। तो करते हैं सबसे पहले टीवीएस के इस पार्ट से शुरुआत। तो भाई ये देख लेते हैं अब है क्या ये। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर है M716-0120, नेट क्वांटिटी 1 पीस, एमआरपी सिर्फ और सिर्फ 34, मतलब 34 रुपए एमआरपी है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, टैक्स के साथ 34 रुपए का है। अगर आप इसे एजेंसी से भी खरीदोगे टीवीएस की तो ये आपको 34 रुपए का पड़ेगा, 35 रुपए में नहीं दे सकते। कहीं से भी खरीदो आप इसे, ये 34 का ही मिलेगा आपको, टीवीएस हो या मतलब महंगा। वैसे तो ये 30 रुपए का है, मतलब आप इसे वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई अगर देगा भी तो आपको 34 रुपए से ऊपर नहीं दे सकता। तो इतनी सस्ती आइटम है ये, और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टर है जो कि भाई बहुत सारी गाड़ियों में मरगार्ड जो होता है हमारा पीछे का, उसके पीछे लगता है ये, और इसकी वजह से लोगों की जो अंधेरे में जो है जान बचती है, एक्सीडेंट होने से बचते हैं। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसकी जो जेन्युइन की क्वालिटी है। देखो, लोकल का तो मुझे पता है बिल्कुल वाहियात और थर्ड क्लास क्वालिटी का आता है, जिसमें ये पेच जो है ये हिलता रहता है। देखो सबसे पहले ये क्या है, देख रहे हैं आप, गौर से देखेंगे तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन आएगा। देखो जितना मैं मूव करूंगा उतना रिफ्लेक्ट। तो ये क्या होता है भाई, पीछे बैकलाइट जो है हमारी उसके नीचे लगता है, पीछे की बैकलाइट के नीचे होता है, जस्ट मरगार्ड के पास। किसी गाड़ी में जस्ट बैकलाइट के नीचे होता है, किसी में बिल्कुल नीचे होता है। जैसे अपाची के अंदर सबसे नीचे होता है मरगार्ड पे, और नॉर्मल हीरो होंडा वगैरह पैशन वगैरह लोगे तो उसके अंदर जो है बैकलाइट के नीचे होता है। और ये जो है, जब रात में अंधेरे में कहीं सुनसान रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने से आपके पीछे से कोई अगर कार लेके आ रहा है या ट्रक लेके आ रहा है बहुत तेज, तो उसकी जो हेडलाइट की रोशनी होगी इस पे रिफ्लेक्ट मार के मतलब शो कर देगी कि आगे कोई छोटी गाड़ी जा रही है, जिसकी वजह से अंधेरे में जान बच सकती है। तो ये भाई छोटा सा रिफ्लेक्टर है, जो कि बहुत मतलब छोटा बम बड़ा धमाका ये वाली कहानी है इसकी, और बहुत ज्यादा मतलब आपकी सेफ्टी के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो सेफ्टी इसी की वजह से बहुत सेफ्टी है, बस समझोगे आप तो सेफ्टी है, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं है। तो भाई देख लेते हैं कौन सी कंपनी का है, इस पे लिखा होगा कंपनी का जो नाम है इसका, देखो गौर से देखो आपको दिख रहा है, तो FIEM फेम कंपनी का जो है 100% जेन्युइन निकला है। और हमने जो अनबॉक्स किया टीवीएस के अंदर, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी, जिसमें मैंने आपको फेम के कुछ प्रोडक्ट दिखाए थे और ये भी बताया था कि टीवीएस जो है 100% जेन्युइन वेंडर है टीवीएस के अंदर, वो फेम कंपनी है। टीवीएस के अंदर 100% जेन्युइन जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तो नहीं कह सकते, खैर प्लास्टिक आइटम जो हम कह सकते हैं, इंडिकेटर कह सकते हैं, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फेम जो है 100% जेन्युइन प्रोवाइड कराती है टीवीएस को। तो यहां भी टीवीएस की जेन्युइन पैकिंग के अंदर देखो रिफ्लेक्टर जो है फेम कंपनी का निकला है। और अब हम कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों बाद कि ये जो है डायरेक्ट वेंडर के अंदर ही इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएं। अभी तो हमने टीवीएस में दिखाया, हम कोशिश करेंगे फेम में भी इसे परचेज करने की, ये मिलता है या नहीं मिलता और कितने का मिलता है। तो भाई इसके ऊपर और कुछ कोडिंग है यहाँ पे, बाकी लिखा भी हुआ है यहाँ पर RRA, और कुछ कोडिंग है 92300, बाकी टॉप लिखा हुआ है। हो सकता है ये ऊपर की तरफ ये हिस्सा रहेगा और ये हिस्सा नीचे की, या इसे ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ भी टॉप है, इसे उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, एक समान है क्योंकि बोल्ट यहाँ पे टाइट होगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ये जो इसमें एक नक्का दे रखा है, ये नक्का जो है मरगार्ड में जब ये टाइट होगा तो वहां पे इसका भी एक वो बना होगा खांचा, जिसमें ये फंसेगा और टाइट हो जाएगा। तो या तो ये यूं लगेगा या यूं लेगा, जैसे भी इसकी फिटिंग होगी ये वैसे ही टाइट होगा। और ये जो है इसकी जो क्वालिटी है मजबूती में बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता और जेन्युइन, ज्यादा महंगा नहीं है, बस ये मिलना चाहिए आपको। और मैंने आपको दिखा दिया कि टीवीएस की पैकिंग में आपको मिल रहा है, जो कि हीरो की भी काफी हद तक गाड़ियों में लग जाता है ये। तो भाई ये हमारा रिफ्लेक्टर था। अब आते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे, जो कि बहुत ही सस्ता और छोटी सी चीज है ऐसे ही, तो वो भी टीवीएस की है, 100% जेन्युइन है। तो देख लेते हैं इसके बारे में ये है क्या भाई। तो एमआरपी सिर्फ और सिर्फ इसकी 18 रुपए है देखो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिलना चाहिए आपको। पार्ट नंबर है N9112000
और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है प्रोडक्ट। ये है स्लीव ब्रेक पैडल आरटीआर। मैंने मार्कर से आरटीआर लिखा हुआ है वैसे पेन से, पर कंपनी भी लिख के दे रही है यहाँ पे स्लीव ब्रेक पैडल आरटीआर। मतलब अपाची आरटीआर बाइक की जो ब्रेक पैडल होती है उसकी स्लिप है ये। स्लिप यानी कि उसकी रबड़ है ये। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं, क्योंकि भाई जो अपाची टीवीएस की आ रही है उसकी जो रबड़ है वो एक टाइम आता है कि कट जाती है, या मतलब कट के यूज करते करते गिर जाती है, खो जाती है, फट जाती है, और फिर लोकल मिलती है, जेनुइन मिलती नहीं है, जिसकी कभी फिटिंग अच्छी नहीं आती और पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है जो ज्यादा चलती नहीं है। तो ये भी जेनुइन रबड़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए की। और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अगर ये कभी खरीदी होगी ना, तो लोकल भी ये 10 रुपए या 20 रुपए की खरीदी होगी आपने, जो कि चलती नहीं है, परंतु आप इसे 17 रुपए में सिर्फ जेनुइन खरीद सकते हो ये। और आप देखो भाई ये जेनुइन है, इसकी मेरे हाथ में ये रबड़ है इस समय 100% जेनुइन है, और इसकी फिनिशिंग इतनी जबरदस्त है ना कि मैं क्या बताऊं यार आपको। अगर ये लोकल होती तो इसे ये बहुत ज्यादा हार्ड होती, इसकी रबड़ जो है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो खैर काफी सॉफ्ट है, ये एडजस्ट हो जाएगी तुरंत ही और जाके कुछ टाइम में ये सिंक हो जाती है। इसकी ये खासियत है रबड़ की कि जब इसे आप ब्रेक पैडल में लगाओगे अपाची के, तो ये कुछ 2-1 दिन में ही मतलब सिंक हो जाएगी, जकड़ लेगी ब्रेक पैडल को और वहां पे सेट हो जाएगी, बिल्कुल छूट नहीं सकती। पर लोकल का क्या है, वो जैसे आप करके डालोगे वो कुछ ही दिनों में नरम होके निकल जाती है और खराब हो जाती है। तो भाई ये हमारी ब्रेक पैडल की रबड़ है। इसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और बहुत ही सस्ती आइटम है, ज्यादा महंगी नहीं है, मुझे लगता है कि आपको ये जेन्युइन यूज करनी चाहिए। और ये आपको शोरूम पे मिल जाएगी, अगर कहीं भी नहीं मिलती है। कुछ लोग बोलते भैया पार्ट्स का लिंक डाल दिया करो, तो भाई ये चीजें ऐसी होती है। देखो मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट का लिंक डालूंगा वो जेन्युइन मिलना भी तो चाहिए, ऑनलाइन जेन्युइन प्रोडक्ट जल्दी से नहीं मिलते। अगर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हो, चाहे वो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम चांस है कि कोई जेनुइन बेच रहा है। ज्यादातर बंदे कॉपी या डुप्लीकेट बेचते हैं, तो इसलिए मैं किसी भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन लिंक नहीं डालता। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नीड है और आपको वो खरीदना है और मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट दो, तो मैं आपको कुरियर कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं बस। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये हमारा रबड़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 रुपए की है, तो इसे साइड करते हैं। और इन दोनों के बारे में आप मुझे बताना कि इन दोनों के नॉलेज आपको थी या नहीं थी। अब आते हैं अपना तीसरे पार्ट पे, जो कि हमारा बजाज के अंदर है। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई गाड़ी के अंदर इंजन से टैपिट की आवाज आ रही है, टैपिट की आवाज आ रही है। तो असल में टैपिट होता क्या है? बेसिकली तो टैपिट जो होता है रॉकर के अंदर टाइट होता है, और टैपिट जो होता है एक स्क्रू होता है छोटा सा, जिसे लूज कर सके या टाइट करके आप कर सकते हो, और जो पिटते पिटते टिक 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 करते करते पिट जाता है, और फिर एक समय आता है उसे चेंज करने का। तो वो जेनुइन कितने का है आज आपको हम दिखाएंगे। तो भाई ये हमारा पहले से अनबॉक्स कर लेते हैं, ये तो बहुत सारे हैं इकट्ठे हैं, क्योंकि भाई एक पीस सिंगल मिलता नहीं है हमें, तो और इकट्ठे लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा भाई बेसिकली जो है ये टैपिट है, देख रहे हैं आप, ये है 2 पीस का पैकेट है, और 2 पीस का जो पैकेट है इसका ये 29 रुपए का है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपको पड़ गया सिर्फ और सिर्फ 14.5 रुपए का एक, ठीक है। अब इसका स्क्रू होगा एक, यानी कि नट, ये स्क्रू है नट होगा, नट जो है भाई 96 रुपए के 20 पीस है। तो भाई मेरे हिसाब से ये भी बहुत सस्ता है और ज्यादा महंगा नहीं है, तो 96 रुपए के हिसाब से ये 20 पीस पड़ गए आपको करीब 4 रुपए, 4.5 रुपए के आसपास, या 4.80-4.90 रुपए के आसपास का आपको ये पड़ रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया, 14.5 और 4, मतलब हम टोटल राउंड फिगर 20 रुपए मान लेते हैं एक की। अब मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप इसे 100% ओरिजिनल खरीदने जाओगे ना किसी भी दुकानदार से, तो यह आपको 25-30 रुपए से कम में नहीं देगा, वो भी लोकल देगा, जेनुइन तो बहुत ही कम चांस देगा, क्योंकि जेनुइन चीजों में भाइयों बचत होती नहीं है ज्यादा, अब लोकल में बचत हो जाती है। लोकल ये 2-2 रुपए के करोलवा गया लोकल मार्केट से, 2-2-3-3 रुपए खरीद के और उसी को बेचते हैं, और वो जल्दी कट जाते हैं, और फिर वाल भी रॉकर भी खराब कर देते हैं, और इंजन भी साउंड को सेट नहीं कर पाते, तो ये जेनुइन ही बहुत सस्ते आ जाते हैं। देखो इसका मैं पार्ट नंबर भी दिखा देता हूं, अगर आपको ये एक और चीज बता देता हूं, यूनिकॉर्न को छोड़ के या जिसमें भी रॉकर के नट जो है 10 नंबर के होते हैं उन्हें छोड़ के सारी गाड़ियों में लग जाते हैं, लगभग हीरो की सारी गाड़ियों में, बजाज की सारी गाड़ियों में, टीवीएस की सारी गाड़ियों में, होंडा की सारी गाड़ियों में, सिर्फ यूनिकॉर्न को छोड़ के, या जिसमें भी यूनिकॉर्न के रॉकर लगते हैं उसको छोड़कर, जैसे साइन, स्टैनर, यूनिकॉर्न, उन सबको छोड़ के, बाकी टीवीएस की और होंडा, हीरो, बजाज सबकी गाड़ियों में लग जाते हैं। यही नट आता है सबसे ज्यादा बिकने वाला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नट होता है। तो आप इसका भी पार्ट नंबर आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको अगर ये इसके बारे में नहीं पता तो आप भी इसे मंगा सकें। तो पार्ट नंबर है इसका DF101055, और ये हमारा स्क्रू है जिसका पार्ट नंबर है DF101055, और ये हमारा भाई नट है इसका रॉकर का, यानी कि टैपिट का नट, जिसकी एमआरपी है 3909731315। तो इस पे भी भाई जो है इसके अंदर पूरा पैकेट आएगा, और इसके अंदर आपको 2 पीस का पैकेट आएगा। तो ये हमारा बनता है टैपिट। तो
ये वीडियो भाई आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी कंज्यूमेबल पार्ट्स की वीडियो आपको कैसी लगी जो मैंने सिर्फ जेन्युइन दिखाए हैं। और कोशिश करेंगे, इसमें तो देखो वेंडर का कोई सवाल ही नहीं है, इसे तो आप आंख बंद करके भरोसा करना कि जेन्युइन ही डलवाना है, जेन्युइन के अलावा कोई और डलवाना ही नहीं है कभी भी कभी भी। क्योंकि चलती गाड़ी में स्लिप हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और स्लिप करके तबले बजने लगेंगे इंजन में, अगर टूट गया तो खत्म। इसलिए ये चीजें कभी लोकल मत डलवाना, या कोई भी कितना भी बोले कि वेंडर है भरोसा मत करना, ये चीजें जेन्युइन नहीं डलवाना। बाकी आते हैं इस पे, तो ये चीजों का मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको इसके और इसके वेंडर ढूंढ के दूं। तो बाकी भाई ये वीडियो जैसी भी लगी आपको लाइक तो कर ही देना यार। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।